हेलो फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस व्हाट इज हाइमेन एंड हाउ इट प्रूव द वर्जिनिटी ऑफ फीमेल्स। तो हाइमेन जो है अल्टीमेटली ये फीमेल बॉडी के यू कैन से पार्ट्स हैं, आप बोल सकते हो ये एक मेम्ब्रेन है। ओके, और अल्टीमेटली ऑलवेज वी आर हाइडिंग दिस वर्ड्स, बट आई विल एक्सप्लोर अबाउट द हाइमेन समथिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। तो आप देख सकते हो दिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया ऑफ फीमेल्स, वेयर द लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स, पुबिस, क्लिटोरिस, दिस आर द यू कैन से पार्ट्स ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, दिस आर द टू फोल्ड्स, एंड लेबिया माइनोरा एंटीरियरली इट फॉर्म द क्लिटोरिस एंड फॉर्म द ट्रायंगुलर स्पेस कॉल्ड द वेस्टिब्यूल। इस वेस्टिब्यूल में दो ओपनिंग होती है, यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइनल ओपनिंग। ओके, यूरेथ्रल ओपनिंग से थ्रू यूरिन फीमेल पास करेगी, और वजाइनल ओपनिंग से डेफिनेटली देर इज अ यू कैन से पास आउट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होने वाला है वो वजाइनल ओपनिंग से ही लॉस होने वाला है। बट जो वजाइनल की जो ओपनिंग होती है ना, वो पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन से प्रोटेक्ट की हुई रहती है, टू प्रिवेंट द PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस, जेनाइटो यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस, या फिर STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, या फिर इन्फेक्शन। तो ये सभी को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर वजाइना में कोई इन्फेक्शन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए एक मेम्ब्रेन वजाइनल जो वजाइनल की जो ओपनिंग होती है ना उसको कवर करके रखती है, जो एक कनेक्टिव टिश्यू से एक मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइमेन। उस हाइमेन में भी एक अपर्चर होता है, एक ओपनिंग होती है, थ्रू विच द मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इज यू कैन से लॉस्ट। ओके, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लीडिंग फेस होता है, उस ब्लीडिंग फेस में जो ब्लीडिंग जो लॉस होता है वो पर्टिकुलर हाइमेन के हाइमेन में क्या होता है, एक अपर्चर रहता है, उस अपर्चर के थ्रू क्या होता है, लॉस होता है। ओके, तो दैट यू शुड नो कि हाइमेन एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है जो कि वजाइनल ओपनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बट डेफिनेटली उस मेम्ब्रेन में भी एक ओपनिंग होती है, थ्रू विच द पर्टिकुलर मेंस्ट्रुअल जो ब्लड है वो लॉस होना चाहिए। ओके, तो कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि पूरी तरीके से हाइमेन क्या होता है, कवर करके रखता है, दैट इज कॉल्ड द इम्परफोरेटेड हाइमेन। ओके, तो ड्यूरिंग द इम्परफोरेटेड हाइमेन जो पर्टिकुलर जो फीमेल होती है, ओके, जो गर्ल होती है, उसको एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी क्या करना रहता है, इम्परफोरेटेड हाइमेन को अकांड फिंगर से थोड़ा सा कटिंग वगैरह देकर ओपन करना रहता है, थ्रू विच द आफ्टर अटेनिंग द प्यूबर्टी स्टेज जो भी उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम में जो ब्लड लॉस होगा डेफिनेटली उसके थ्रू वो आना चाहिए। तो इम्परफोरेटेड हाइमेन ये अलग स्टेज है, देयर इज अ चांसेस ऑफ इम्परफोरेटेड हाइमेन की फीमेल को हो सकता है, फीमेल कंप्लेंट करेगी कि अ काइंड ऑफ जो सुप्रा प्यूबिक बल्ज हो गया है और बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है ड्यूरिंग यू कैन से इन द पेल्विक एरिया, इन द बैकेक एरिया। ओके, और शी सजेस्ट की मतलब शी विल टेल की देर इज नो मेंस्ट्रुअल साइकिल एज प्यूबर्टी अटेन, तो दैट इज नथिंग बट इम्परफोरेटेड हाइमेन। देर आर सम कंडीशन वेयर द हाइमेन के जो हाइमेन मैंने आपको बोला कि जिसमें एक अपर्चर या फिर ओपनिंग होती है, थ्रू विच द मेंस्ट्रुअल ब्लड इज कमिंग, बट डेफिनेटली दैट अपर्चर इज यू कैन से अब्सेंट, दैट इज कॉल्ड द इम्परफोरेटेड हाइमेन। ओके, तो हाइमेन फुल्ली तरीके से टॉर्न नहीं होना चाहिए, हाइमेन में एक ही ओपनिंग होनी चाहिए, एंड डेफिनेटली थ्रू विच द मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होना चाहिए, कमिंग होना चाहिए। बट ऐसा लॉ में बोला गया है कि हाइमेन अगर फुल्ली तरीके से रप्चर्ड है बिफोर द मैरिज, मेल्स क्या करते हैं, फीमेल्स को यू कैन से प्रूफ करने के लिए, या फिर यू कैन से फीमेल को ऐसे यू कैन से पेनाइल वजाइनल इंटरकोर्स बिफोर द मैरिज अगर हुआ है या नहीं हुआ है, तो बिफोर द मैरिज जो मेल होगा, ओके, वो क्या करेगा, वर्जिनिटी ऑफ फीमेल्स को प्रूफ करना चाहेगा। ओके, तो वर्जिनिटी ऑफ फीमेल्स कैसे प्रूफ करेगा, हाइमेन अगर इंटैक्ट है, एज इट इज इंटैक्ट है, तो डेफिनेटली फीमेल वर्जिन बोलेगी, फीमेल को हम वर्जिन बोलेंगे। एंड अगर वो जो हाइमेन है, जो इंटैक्ट जो हाइमेन अगर नहीं रहेगा, अगर वो टॉर्न हो गया है, डेफिनेटली दैट इज कॉल्ड अ डिफ्लोरेशन। तो एज पर द लॉ, इफ देर इज अ डिप्राइवेशन ऑफ द वर्जिनिटी, दैट मीन्स द फीमेल हैज डन द पिनाइल वजाइनल इंटरकोर्स इन देयर लाइफ, एंड दैट्स वो जो मैरिज होगा ना, आफ्टर मैरिज या फिर बिफोर द मैरिज, नलिटी ऑफ द मैरिज हो जाएगा। ओके, डिवोर्स, नलिटी ऑफ मैरिज, ये सभी कंडीशन आ जाते हैं ड्यू टू द प्रूफ ऑफ द वर्जिनिटी, और यू कैन से ड्यू टू द प्रूफ ऑफ द डिफ्लोरेशन। तो बिफोर द मैरिज अगर हाइमेन इंटैक्ट नहीं है, दैट मीन्स कि बिफोर द मैरिज उसने कभी तो पिनाइल वजाइनल इंटरकोर्स किसी के साथ किया होगा, एंड दैट्स वाई वो जो पर्टिकुलर मेल जिसके साथ उसकी मैरिज होने वाली है, ही कैन कैंसल देयर मैरिज। ओके, दिस इज नथिंग बट अवर नलिटी ऑफ मैरिज। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ अ वर्जिनिटी वी कैन प्रूव द फीमेल हैज डन द पिनाइल वजाइनल इंटरकोर्स इन देयर लाइफ और नॉट। बट नाउ डेज देर आर सर्टन कंडीशन बाई विच वी कैन नॉट से कि हाइमेन अगर रप्चर है या फिर हाइमेन टॉर्न है तो वो फीमेल वर्जिन नहीं है। ओके, ऐसा हम नहीं बोल सकते, हाइमेन इज़ नॉट इक्वल टू वर्जिन, दैट मीन्स कि हाइमेन अगर टॉर्न हुआ है, बट डेफिनेटली वी विल से कि फीमेल वर्जिन है। ऐसा हम अभी के टाइम में यू कैन से क्या मैंने बोला आपको कि हाइमेन अगर टॉर्न हुआ है, हाइमेन अगर रप्चर हुआ है, ओके, जितनी ओपनिंग है उससे ज़्यादा अगर टॉर्न हो गया, हाइमेन फुल्ली तरीके से जो मेम्ब्रेन है
पूरी तरीके से वजाइनल ओपनिंग ओपन हो गया है। तो हम ऐसा बोलते थे कि पेनाइनल वजाइनल इंटरकोर्स हुआ है, बट देयर आर सर्टन कंडीशन वेयर द जो हाइमेन है वो रप्चर हो सकता है ड्यू टू द लाइफ स्टाइल ऑल्सो। ओके, तो लाइफ स्टाइल एक्टिविटीज़ के भी हो सकता है, वी विल डिस्कस द दैट विच दे एक्टिविटीज़ दे आर। ओके, बट डेफिनेटली वी शुड नो द टाइप ऑफ हाइमेन, देर आर नंबर ऑफ टाइप ऑफ हाइमेन डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से स्ट्रक्चर और यू कैन से डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से बाई विच द ओपनिंग बाई विच द हाइमेन इज ओपन। ओके, तो जो ओपनिंग मैंने आपको बोला कि हाइमेन में एक ओपनिंग है, हाइमेन में एक अपर्चर है, दैट इज अ फॉर्म बाय डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो कभी कभी माइक्रो परफोरेट बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है, बहुत ही कभी कभी इम्परफोरेट रहता है, यानी कि ओपन ही नहीं रहता है। ये देखिए क्रीबी फॉर्म है, कभी कभी ऐसे क्रीबी फॉर्म यानी कि बहुत ही डॉट स्ट्रक्चर लाइक जैसे हैं, सेप्टेड लाइक स्ट्रक्चर अगर ओपनिंग होगा दैट इज फॉर सेप्टेड हाइमेन। तो डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से बाई विच द ओपनिंग ऑफ द हाइमेन इज देयर दैट इज कंसिडर्ड हैविंग अ डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइमेन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाइमेन इज डिपेंड ऑन द स्ट्रक्चर और डिपेंडिंग ऑन द यू कैन से by which the hymen is opened, okay? तो we should know the hymen is not equal to virgin, but definitely ये जो hymen is not equal to virgin अभी भी ये proof नहीं है, okay? तो hymen अगर rupture है, hymen अगर torn है, definitely female ने penile vaginal intercourse अभी भी ऐसा myth अभी भी फैला हुआ है, but we should know as a medico we should know hymen this is a thin but firm fold of connective tissues covered by mucous membrane about 1 millimeter in overall thickness situated at the vaginal orifice you can see here okay this is the vaginal orifice okay तो ये पूरे orifice को cover करके a kind of हाइमेन करके रखता है। ओके, तो फॉर्मिंग सेंट्रल अपर्चर हैविंग वैरायटी ऑफ शेप, एनुलर शेप हो सकती है, सेमी लूनर शेप हो सकता है, हाफ मून शेप रहेगा तो सेमी लूनर है, क्रीबी फॉर्म रहेगा, मेनी स्मॉल होल्स हैं, सेप्टेड फॉर्मिंग सेप्टम और ब्रिज अक्रॉस द वजन ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज सेप्टेड हाइमेन। ओके, फिम्ब्रिएटेड हाइमेन, इररेगुलर पैटर्न अराउंड द ओपनिंग, डेंटिकुलर ओपनिंग है, इनफंडिबुलर फॉर्म हाइमेन है, इम्परफोरेटेड हाइमेन, डज नॉट हैव एनी ओपनिंग एंड नीड सर्जिकल करेक्शन बिफोर द मेनार्क स्टेज ओके ऑफ टू द मेंस्ट्रुअल फ्लो टू अकर। जैसा आई सेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो लॉस होता है वो पर्टिकुलर ओपनिंग से लॉस होता है एंड दैट्स व्हाई इट शुड बी ओपन। ओके, तो ओकेजनली द हाइमेन इज कंजेनाइटल इज अब्सेंट विच नीड्स टू बी मैटर ऑफ कंसर्न एट ऑल। आप देख सकते हो कॉजेज ऑफ हाइमेन रप्चर एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स द हाइमेन इज टॉर्न पोस्टरली मेजरली यही कॉज बोला गया है। दिस रप्चर ब्लीड फ्रीली व्हेन द फ्रेश एंड हील्स बाय द स्कार फॉर्मेशन After the delivery of child per vaginam, the hymen is completely torn and leaving only remnants. Okay, that is called the carunculae meritiformes. Okay, carunculae meritiformes or carunculae hymenalis. So these are the you can say terms we are giving to the hymen, which you can say remnant part of the hymen, which remain after the complete delivery. Okay, so maybe due to the any trauma in an accidental falls. Also there is a you can say rupturing of the hymen, digital masturbation से भी हो सकता है, careless insertion of the sanitary tampon pad से भी हो सकता है, per vaginal examination on a virgin female definitely उसके through भी hymen torn हो सकता है, rupture हो सकता है, introduction to the foreign body into the vaginal opening again there is a chances of hymen rupture। okay, ulceration as a result of diseases like especially cornibacterium diphtheria वगैरह से there is a chances की जो hymen है वो rupture वगैरह हो सकते हैं। okay, so it is important to note that annular type of hymen जो है ना it may appear intact hymen even when the sexual intercourse has taken place। okay, that you should know कि annular type of hymen है, sexual intercourse हुआ है तो hymen still क्या होगा intact होगा, but fimbriated type of hymen ऐसा है कि it may torn इवन इन द इंटैक्ट स्टेज, यानी कि सेक्शन डोकोस नहीं हुआ है बट देर इज अ चांसेस कि हाइमेन जो है टॉर्न हो सकता है इन द फिम्ब्रिकेटेड टाइप ऑफ हाइमेन। ओके, दिस आर द एक्सेप्शनल आवर टाइप ऑफ हाइमेन। ओके, मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ द वर्जिनिटी अगर बात करें, इन सिविल केसेस नलिटी ऑफ मैरिज हो सकता है, वेदर द वर्जिनिटी इज प्रूफ ऑफ अ नॉन कंजम्पशन मीन्स अगर अ काइंड ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज, अगर बिफोर द मैरिज अगर अ काइंड ऑफ वर्जिन अगर फीमेल प्रूव नहीं होती है, यानी फीमेल इज नॉट प्रूव एज अ वर्जिन, डेफिनेटली जो मेल होगा ही कैन कैंसिल द मैरिज, दैट इज कॉल्ड नलिटी ऑफ मैरिज। या फिर आफ्टर मैरिज भी वो काइंड ऑफ जो अगर वर्जिनिटी अगर प्रूफ नहीं होती है, डेफिनेटली जो हस्बैंड होगा ही कैन कैंसिल द दिस मैरिज एंड दिस नल एंड वाइड मैरिज हो जाएगा। ओके, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ हम उसे नहीं बोलेंगे। डिवोर्स भी हो सकता है, मेल डिवोर्स भी कर सकता है। इन क्रिमिनल केसेस लॉस ऑफ वर्जिनिटी मे बी डिफाइन एज द इंडेक्स ऑफ द सेक्शुअल इंटरकोर्स टू द सब्सटिट्यूट अ चार्ज ऑफ रेप। ओके, तो लॉस ऑफ इन क्रिमिनल केसेस ऑल्सो कि रेप को प्रूफ करने के लिए काइंड ऑफ जो बोल सकते हो ना जो हाइमेन की रप्चर या फिर हाइमेन टॉर्न हुआ है या फिर हाइमेन फुले तरीके से रप्चर हो गया है, अगर ये प्रूफ होता है तो डेफिनेटली वी कैन से कि देर इज़ अ
और यू कैन से सेक्सुअल इंटरकोर्स और देर इज अ रेप. ओके, तो आप देख सकते हो दिस इज अ यू कैन से क्रिमिनल केसेस में ऐसे भी आएंगे. ये नीगल फॉर्मूला वगैरह है एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी को फाइंड आउट करने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड. एक साल उसमें ऐड करने का. ओके, और बाद में 3 महीना इसमें माइनस करने का और 7 दिन इसमें ऐड करने का. तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ LMP. ओके, एंड 3 मंथ माइनस करना रहता है, 7 दिन इसमें ऐड करना रहता है और अप्रॉक्सीमेटली वो डेट देता है, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. ये नीगल्स फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करते हैं. बट वी शुड नो कि हम क्या करते हैं, हाइमेन को यू कैन से इनसाइज भी करते हैं, हाइमेनेक्टॉमी भी करते हैं. अगर इम्परफोरेटेड हाइमेन होगा तो मेनार्च स्टेज पे फीमेल जो गर्ल्स होगी उसको आने से पहले अगर इम्परफोरेटेड हाइमेन है, यानी कि हाइमेन में कोई भी ओपनिंग नहीं है जिसके थ्रू मेंस्ट्रुअल ब्लड आने वाला है, अगर कोई भी ओपनिंग नहीं दिखे तो उसको हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसीजर. ओके, तो आप देख सकते हो इंटैक्ट हाइमेन को हमें ओपन करना रहता है, दैट इज़ नथिंग बट इनसीजनल ओपनिंग ऑफ आवर हाइमेन. ओके, तो इन क्रिमिनल केसेस वी कैन प्रूव द इफ देयर इज अ वर्जिनिटी इज द लॉस. ओके, so that is all about for our hymen and how it proves the virginity of females. That is all about for our the virginity.